नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि सिंपल पे लेटर टू बैंक ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि सिंपल पे लेटर में आपका बिल बॉक्स शो नहीं हो रहा है, मतलब सिंपल पे लेटर में आपका बिल बॉक्स इनेबल नहीं है, तो कैसे आप सिंपल पे लेटर में बिल बॉक्स को इनेबल करा सकते हैं। तो उस वीडियो के नीचे मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट देखने को मिले हैं कि सिंपल पे लेटर टू बैंक ट्रांसफ़र कैसे करें, इसके ऊपर एक वीडियो बनाओ। तो फाइनली आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि सिंपल पे लेटर टू बैंक ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं, वो भी इंस्टेंटली। अगर आपका भी सिंपल पे लेटर में बैलेंस है और आप उस बैलेंस को बैंक में लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा बिना एस्किप किए, जिससे कि आपको हर एक स्टेप अच्छे समझ में आए और आप बहुत ही आसानी से अपने सिंपल पे लेटर टू बैंक ट्रांसफ़र कर सकें। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का कोई वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सो चलिए चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर, आपको सारा प्रोसेस बताते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने सिंपल पे लेटर से अपने बैंक अकाउंट में 100 रुपये को पहले ट्रांसफ़र किया था, उसको आपको दिखा देते हैं, फिर आपको लाइव इसमें पैसे को ट्रांसफ़र करके दिखाएंगे। अभी मैं आपको टोटल प्रोसेस बताने वाला हूं कि कैसे आपको लेने बिना किसी चार्ज के और इसको कैसे आपको अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। अभी देख सकते हैं कि मैं अपना सिंपल पे लेटर में आ चुका हूँ, यानी कि इस ऐप में। यहाँ पर आने के बाद आपके सिंपल पे लेटर में बिल बॉक्स होना चाहिए। अगर आपके बिल बॉक्स नहीं तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आपको इसको इनेबल करना है। इसके बाद जैसे आप अपना सिंपल पे लेटर को ओपन करते हैं तो यहाँ पर एक फास्टैग का ऑप्शन मिलता है, इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सर्च करना है कि किसके फास्टैग से यहाँ से पैसे लेना चाहते हैं। तो मैं यहाँ से पेटीएम का फास्टैग यूज करने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैं पेटीएम सर्च करूँगा तो यहाँ से पेटीएम पेमेंट बैंक का जो फास्टैग है यहाँ पे देखने को मिलेगा, इसको यहाँ से सेलेक्ट कर देना है। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डाल देना है अपना, तो यहाँ से हम अपना मोबाइल नंबर को डाल देते हैं। मोबाइल नंबर डाल देने के बाद यहाँ पे आपको नीचे एक नेक्स्ट का बटन मिलेगा, ये हाईलाइट हो जाएगा, इस पर क्लिक करना है। एंड इसके बाद इस तरह से अपना जो फास्टैग ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करना है। एंड इसके बाद यहाँ पे नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको अमाउंट डालना है कि कितने पैसे को आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो मुझे अभी 500 रुपये करके दिखाना है। आप ध्यान रखें कि एक बार में 100 से 1000 के बीच ही पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसका एक लिमिट होता है। तो यहाँ पे मैंने 500 रुपये को टाइप कर दिया एंड इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट में मैं क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ से आपका जो पेमेंट है प्रोसेसिंग में लग जाएगा, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, और कुछ ही सेकेंड में यहाँ से मेरा पेमेंट जो है सक्सेसफुल हो जाएगा। अभी मैं आपको सब कुछ चेक करा कर दिखा देने वाला हूँ। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा प्रोसेसिंग में ही है पेमेंट, थोड़ा सा हम यहाँ से इंतज़ार करते हैं जब तक मेरा पेमेंट कंफर्म यहाँ से हो जाता है, यानी कंप्लीट हो जाता है। देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मेरा पेमेंट है वो कंप्लीट हो चुका है, 500 रुपये यहाँ से मेरे को कट चुके हैं और मेरे पेटीएम में आ चुके हैं। अभी नोटिफिकेशन बार में भी आपको दिखा देते हैं कि मेरे जो 500 रुपये हैं और पेटीएम वॉलेट में चले गए हैं कि नहीं। तो देख सकते हैं 500 रुपये मेरे पेटीएम वॉलेट में ऐसे ऐड हो चुके हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं नोटिफिकेशन भी आ चुका है। अभी मैं अपना पेटीएम ऐप को भी ओपन कर आपको चेक करा दे रहा हूँ। तो चलिए यहाँ से हम अपना पेटीएम ऐप को ओपन करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट सक्सेसफुल यहाँ पे लिखकर आ रहा है। अभी हम यहाँ से बैक होते हैं और अपना पेटीएम ऐप को ओपन करते हैं एंड इसके बाद आपको चेक करा देते हैं। देख सकते हैं कि मैं पेटीएम में आया और बैलेंस एंड स्टोरी पे, और यहाँ पे देखिए पेटीएम बैलेंस जो मेरा है 600 रुपये हो चुका है। मैंने कि इसके पहले दिखाया तो 100 रुपये था और यहाँ पे अभी 600 रुपये हो चुके हैं। और यहाँ पे बैलेंस एंड स्टोरी में आप देख सकते हैं कि अभी भी जस्ट मैंने ऐसे 500 रुपये को 12:57 PM पे मैंने यहाँ पे किया, तो यहाँ पे 600 रुपये मेरा यहाँ पे ऐड हो चुके हैं, यानी कि किसी तरह का मेरे को चार्ज नहीं देना पड़ा और यहाँ पे मेरे पेटीएम वॉलेट में पैसे को ऐड कर लिए। अब पेटीएम वॉलेट से अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसके पहले मैंने वीडियो बना रखा है, तो आप उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देखकर बहुत ही आसानी से पेटीएम वॉलेट से अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं बिना किसी चार्ज के। अगर आपको नहीं आता है तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। अगर आपको आता है पेटीएम वॉलेट से बैंक में ट्रांसफ़र करना, तो फिर आप बहुत इजीली अपने बैंक अकाउंट में पेटीएम वॉलेट से पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आप इस तरह से अपने सिंपल पे लेटर का बैलेंस बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं बिना किसी चार्ज के। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।